भारतीय वायुसेना के हमले के बाद विदेश सचिव विजय गोखले की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि 14 फरवरी को जैश ए मोहम्मद ने सीआरपीएफ पर फिदायीन हमला किया था। यह संगठन पाकिस्तान में 2 दशक से सक्रिय है। पाकिस्तान को उनके कैंप के बारे में लगातार जानकारी दी जाती रही है, लेकिन उन्होंने इनकार किया और कोई रिएक्शन नहीं लिया। हमें सूचना मिली कि देश में और भी फिदायीन हमले कर सकते हैं, जिसके बाद भारत में बालाकोट में जैश के कैंप पर कार्रवाई की, जिसमें आतंकी ढेर हुए हैं। जैश कमांडर यूसुफ अजहर भी मारा गया, वही कैंप चला रहा था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए संकल्प ले चुकी है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.